आम तौर पर जब भी इलेक्शंस होते हैं तो सबसे पहले एक पार्टी चुनाव लड़ने का ऐलान करती है। वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए मैनिफेस्टो बनाती है जिसमें बड़ी बड़ी बातें और वादे किए जाते हैं। इसके बाद चुनाव होता है और कुछ ही दिनों बाद काउंटिंग शुरू होती है। फिर रिजल्ट आता है और साफ हो जाता है कि आखिर अब सिस्टम को चलाने की पावर किसके हाथ में होगी। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी का हाल कुछ अलग है। यहाँ इन दिनों कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। दरअसल कहानी कुछ ऐसी है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ यानी DUSU का चुनाव पूरा हो चुका है। स्टूडेंट्स ने वोट डाले ताकि नए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव को चुना जा सके। यहाँ तक तो सब ठीक था। दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन हाई कोर्ट ने बीच में टांग अड़ाई। बात यहां तक पहुंच चुकी है कि अब वोटों की गिनती शुरू नहीं हो रही। रिजल्ट का इंतजार लंबा होता जा रहा है, पर इसकी वजह क्या है, चलिए आपको ये बताते हैं। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि पहले उम्मीदवार कैंपस साफ करे, तभी काउंसलिंग की इजाज़त मिलेगी। तो हुआ कुछ ऐसा कि जगह जगह चुनाव के पैम्फलेट और पोस्टर्स चिपकाए गए और दिल्ली यूनिवर्सिटी की सड़कों पर चुनाव प्रचार के पैम्फलेट बिखरे नजर आए। इससे DU का एरिया गंदा हो गया। हालांकि हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब दिल्ली की सड़कों का क्या हाल है, ये वहां के स्टूडेंट्स से जानेंगे। इसी कड़ी में लोकल 18 ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों से सवाल जवाब किए। वो इस मामले पर क्या कहना चाहते हैं, चलिए आपको ये सुनाते हैं। नीरज धनखड़, सेकंड ईयर है। पहले काफी गंदगी थी, लेकिन अब काफी साफ हो गया कैंपस, तो अब रिजल्ट अनाउंस कर देना चाहिए क्योंकि बहुत दिन हो गए, स्टूडेंट भी वेट कर रहे हैं इलेक्शन के रिजल्ट के लिए। पहले तो क्योंकि कंबल डायरेक्ट होते रहते थे ना, रोज गंदगी फैलती रहती थी, तो इसलिए साफ नहीं हो पा रहा। हर्ष चौरान, सेकंड ईयर है मेरा। अभी तो साफ कर दिया गया है कैंपस, अभी बिल्कुल साफ है। अब इनको रिजल्ट डिक्लेयर कर देना, मतलब कर देना चाहिए, काउंटिंग शुरू करवा देनी चाहिए। काम भी, लेकिन हमने भी मेहनत की, हमें भी लग रहा जल्दी आना चाहिए रिजल्ट। अंकित शाह सर, कैंपस तो अभी काफ़ी साफ हो चुका है पहले के कंपैरेटिवली, लेकिन आई डोंट थिंक कि इलेक्शन का रिजल्ट आए या ना आए वो हमारे डिपार्टमेंट के लिए स्पेसिफिकली रिलेवेंट है या नहीं। और टेक्निकली देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी डिपार्टमेंट के लिए रिलेवेंट है होगा, क्योंकि जो आपके कैंडिडेट्स हैं वो अभी आपको इलेक्शन के टाइम पे दिखें, उसके अलावा आपको कुछ साल तक वो दिखने नहीं वाले। जो उनके प्रॉमिसेस हैं वो अगले चुनाव के एंड तक आते आते शायद आपको थोड़े बहुत फुलफिल होते हुए दिख सकते हैं। उसके अलावा वो प्रॉमिसेस और कैंडिडेट्स चुनाव के साथ खत्म हो चुके हैं। रिजल्ट आएगा, प्रेसिडेंट बनेंगे, उसके अलावा क्या होना है हमें नहीं पता। हाय, आई एम यश। मैं 4 साल से हूँ, ग्रेजुएशन भी मैंने इधर ही किया, मास्टर्स इधर ही कर रहा हूँ, एंड आई मीन फाइनल ईयर। कैंपस तो अभी क्लीन है, बट आई थिंक दे डिजर्व टू बी गेट पनिश। Okay. Because मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, आई वियर दिस सैंडल्स एंड आई गॉट इनकम्फर्टेबल, बट या इट इज इररिलेवेंट फॉर आवर डिपार्टमेंट, राइट? एंड देन दे डोंट गिव अस अपॉर्चुनिटी टू वोट, सो इट डजंट मैटर टू मी। ओके, बाकी अगर रिजल्ट आएगा देखेंगे क्या होता है, बट काम तो वही होना है, दोनों पार्टी, इट डजंट मैटर। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का कहना है कि अब DU की सड़कें पहले से साफ है, अब हाई कोर्ट को रिजल्ट डिक्लेयर कर देना चाहिए जिससे बच्चों का इंतज़ार ख़त्म हो। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहें लोकल 18।